मैं वो कहता है जैसे कैपेसिटी की सब्जेक्ट थ्योरी होती है एग्जैक्टली वैसे ही किसकी थ्योरी होती है कैपेसिटर किसकी होती है कैपेसिटर की थ्योरी होती है। मैं वो 15-20 मिनट यहाँ पे समझा रही था क्या क्या। पेज नंबर 108 कोई दिक्कत? वैसे वैसे पूछो 108 में कोई दिक्कत? सबने पढ़ तो लिया? 108 कोई दिक्कत? 109 पक्का? सोच लो इन सवालों में कोई तकलीफ नहीं है। 110 सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई तकलीफ नहीं है? सोच लो। ठीक है 110 में कोई दिक्कत नहीं। 111 पक्का? अगर अपने को सीरीज में बताओ तो सीरीज और पैरेलल के रिलेशन क्या इसमें उल्टे होते हैं? इसमें कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है उल्टे होते हैं। सेकंड बात उल्टे होते हैं और हमें सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना भी आता है और हमें पैरेलल में चार्ज डिवाइड करना भी आता है। जैसे उसमें करंट डिवाइड करना थोड़ा टफ होता था यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड करना थोड़ा टफ होता है सीरीज में पर करते वैसे ही है। V1 is to V2 equals to 1 by C1 is to 1 by C2 बोलो ये रहेगा सोच लो। चलो ये हो गया कौन सा था 111 सोच लो। 112 सोच लो पक्का? 113 पक्का? सोच लो 114 नहीं अच्छा 114 कर लें 111 में कोई दिक्कत नहीं है 112 में कोई दिक्कत नहीं है 113 में नहीं है सोच लो एकदम पक्का? 114 पेज नंबर 114 पेज नंबर क्या आपको 15वें इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है? 15 में कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिक्कत है तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सेल में मेंटेन होल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C1 C2 बाय C1 C2 तो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ही कभी V1 इज टू V1 क्या दिक्कत है इसमें? उल्टा लिखा हुआ है क्या? उल्टा लिखा हुआ है क्या? V1 V2 V1 के लिए कितनी दी है? 12। हाँ उल्टा है जहां कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे पोटेंशियल कम होगा। ठीक है V1 के लिए 6 है और V2 के लिए 12 है। ठीक है 16 एग्जाम्पल 16 कोई दिक्कत नहीं है? जैसे क्यों लग रहा तुम लोगों ने नहीं करा? 16 17 पक्का? 18 कोई दिक्कत नहीं है? सोच लो 19 लेटर प्रॉब्लम कोई दिक्कत 20 में कोई दिक्कत? उसके बाद अपने सिमेट्रिक सर्किट कौन से लेटर प्रॉब्लम वही पुरानी कहानी है कुछ भी नया फिर सिमेट्रिक सर्किट कौन से सर्किट वही दो टाइप की फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री जितने सवाल वहां थे उतने सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। 5 मिनट फिर से और दे रहा हूं एक बार और पढ़ा लो कुछ डाउट हो तो आसपास वालों से पूछ लो पर आपका पेज नंबर 117 तक आपका क्लियर होना चाहिए 117 तक आपका क्लियर होना चाहिए फिर आगे चलता हूं मैं। ये वो सेगमेंट था जो कॉमन था करंट सिटी से अब एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स बेसिकली अलग अलग तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो एक कंपनी थी जैसे दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया कि मुझे ना ऐसे सेट चाहिए जिसमें 10 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हों जिसमें 10 कैपेसिटर और ऐसे मुझे 1,00,000 सेट चाहिए कितने? ठीक है भाई कंपनी ने दे दिए उन्होंने क्या करा ध्यान सुन
उन्हें ऐसे कैपेसिटर एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा एंड सो ऑन। और कितने जोड़े? 10। कितनी प्लेट यूज आई? 20। कितनी यूज आई? 20। सब सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, सेट बनाया, ऐसे 1 लाख सेट बनाया और दे दिए। और ये कंपनी हर कंपनी हर साल इससे 1 लाख सेट का ऑर्डर लेती थी और ये दे देते। ठीक भाई, समय बीता, इसका बच्चा बड़ा हुआ, इसे फिजिक्स आ गई। उसने अक्कल लगाई कि भाई इस प्लेट, इस कैपेसिटर की, इस प्लेट का बाहरी हिस्सा क्या काम आता है? इस कैपेसिटर की, इस प्लेट का बाहरी हिस्सा क्या काम आता है? ऐसे इस प्लेट का, इस कैपेसिटर की, इस प्लेट का ये लेफ्ट वाला हिस्सा क्या काम आता है? कुछ नहीं, इनमें तो चार्ज आता ही नहीं है। कैपेसिटर में चार्ज ऑरिजिनल सरफेस पे आता है। कहां पे आता है? बाहर सरफेस में तो आता नहीं है। लगा तुम्हें आया? आया नहीं आया? तुझे बोला ऐसे क्यों करे? उसने ऐसे बना दिया। ये कैपेसिटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी प्लेट में काम हो गया? 11। पैसे बचे कि बड़े? क्या कॉम्बिनेशन फायदे का था? फायदे का था कि नुकसान का था? फायदे का था, नुकसान का था? फायदे का था ना? अरे था कि नहीं था? फायदे का था। ऐसे कई फायदे के कॉम्बिनेशन बनाए, जहां पे अगर हमें कोई सिस्टम चाहिए तो हम हमेशा एक कैपेसिटर के लिए दो प्लेट्स को यूज लें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सपोज यू टू कनेक्ट एन कैपेसिटर्स इन सीरीज, सपोज यू टू कनेक्ट, मैं आपको 10 से समझाया, अपन एन कैपेसिटर्स इन सीरीज, कि यहां पे एन कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए, एन कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए आपको कितनी प्लेट्स चाहिए? 2n। कितनी? 2n। यहां पे एन कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए कितनी चाहिए? कितनी? ये भी एन कैपेसिटर्स इन सीरीज है, पर क्या इसके लिए सिर्फ चाहिए एन प्लस वन? क्या इसमें पैसा टाइम दोनों बच गए? बोलो बचे कि नहीं बचे? सो दीज टाइप ऑफ स्मार्ट कॉम्बिनेशंस, दीज टाइप ऑफ वी यूज जनरली, जैसे जहां पे बल्क में सिस्टम्स जाने हैं या बहुत सारी चीजें, तो इस तरीके की सिस्टम्स को हम यूज करते हैं। पहली बात क्या, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? अब उसके कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, कैसे समझे उतारो पहले इसे, फिर आगे बढ़ते। देखो समझो, ये कितने कैपेसिटर हैं? कितने कैपेसिटर हैं? अब मैंने वो कैसे कनेक्ट करा सुनना, मैंने बोला कि इन दोनों को तो कनेक्ट कर दो ऐसे एक वायर से, बोलो क्लियर, और इसके अबाउट, और इसके अबाउट बैटरी लगा दो तो क्या इक्विवेलेंट होगा? मैं बता रहा हूं, पहला सवाल सुन ले। हमने क्या करा कि इन दोनों को तो कनेक्ट कर दिया, इफ यू कनेक्टेड इट बाय अ वायर, क्या दीज आर इक्विपोटेंशियल? दीज आर इक्विपोटेंशियल। लगा है तुम्हें? आया? दीज आर इक्विपोटेंशियल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। और मान लो कि बैटरी मैंने लगाई ए और बी के क्रॉस, बेसिकली मैंने इक्विवेलेंट पूछा ए और बी के क्रॉस, किसके क्रॉस? मैंने आपसे इक्विवेलेंट पूछा ए और बी के क्रॉस, अब क्या करें? सिंपल, ए और बी जिसके क्रॉस निकाल लो, वहां पे जीरो और बी मान लो, और जो अननोन हो उसे एक्स मान लो, ये एक्स तो ये, बोलो क्लियर। अब इसे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ, है ये तीन कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, कितने का? जाहिर सी बात है मुझे जीरो और वी के बीच में चाहिए, तो जीरो बनाओ इधर, इधर वी बनाओ, और बीच में क्या बनाओ? एक्स। क्या ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं? जीरो वी बना लो, इधर एक्स बना लो। पहला कैपेसिटर किसके बीच में? जीरो और एक्स, जीरो और एक्स। दूसरा एक्स और वी। तीसरा एक्स और बी। सवाल सॉल्व, क्या कॉम्बिनेशन का निकालना आता है? सी और सी, सी और सी, टू सी और सी, टू सी बाई थ्री, टू सी बाई, आंसर आ गया टू सी बाई थ्री। तुम्हें सवाल करना समझ आया नहीं आया? दो दिन कराऊंगा अभी फील आ जाएगी।
देखो एक दो तीन चार आओ देख कितना 3c/2 चलो क्या ये जीरो ये वी yes, ये एक्स पक्की बात yes, ये जीरो ये वी है एक्स चलो भी बहुत बढ़िया तो अपन बना लेते हैं ये जीरो ये वी ये एक्स पहला कैपेसिटर किसके बीच में जीरो और एक्स दूसरा किसका जीरो और वी तीसरा एक्स और वी क्या ये इक्विवेलेंट बन गया yes, ओह आसान हुआ है तो कितना सी और सी सी और सी सी बाय टू और सी सबसे हो गया था क्या yes, अरे हाँ ना बोल yes, चल तीन वाला नहीं फ्लोर अच्छा करता है तीन वाले ही करोगे चलो आसान है क्या yes, अगर ए पर जीरो मान लो तो ये जीरो तो ये भी जीरो और ये वी तो ये भी वी तो ये भी वी मुझे लगा इंद में आया किसी एक्स को मानने की आवश्यकता ध्यान से देखो तो ये सी और ये सी क्या तीनों बेसिकली जीरो और वी के बीच में ही है yes, तो तीनों क्या पैरेलल हो गए yes, अगर तीनों पैरेलल हो गए तो आंसर क्या आया 3c क्या आया चलो एक चार वाला बता देता हूं कितने का कैपेसिटर है बनाओ हाँ भाई चलो देखो ये जीरो तो ये जीरो तो ये जीरो तो ये वी तो ये चलो भाई जीरो और वी को अलग अलग बना लो ये वी ये जीरो सबसे ऊपर वाला और बीच में एक्स बीच में सबसे पहले वी और एक्स बहुत बढ़िया दूसरा जीरो और वी येलो साहब तीसरा एक्स और जीरो चौथा एक्स और जीरो अरे मैंने इसे जीरो माना तुमने उसे उल्टा मान लिया एक ही बार अरे कभी तो हाँ ना बोलो क्या दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट दिस इज द This is the equivalent circuit. C or C? 2C. 2C or C? 2C by 3. 2C by 3 plus C? 5C by 3. 5C by 3. अभी इसका टफ सवाल कहलाता है पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है हो गया लो और कराऊं या समझ आ गया है पक्की बात yes, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन देंगे तो आपके लिए निकालना बड़ी बात नहीं है इनको थोड़ा और ऊपर उठाते हैं थोड़ा और ऊपर कैसे उठाते हैं सुनो थोड़ा और ऊपर ऐसे उठाते हैं एक तुमसे नहीं हुआ कितने लोगों ने सही बना लिया था डायग्राम गुड शाबाश अब देख
डांट का असर तो होता है तुम लोगों पे। आज जैसे तुम बहुत शरीफ लग रहे हो, सर इतने अत्याचार के बाद तो कोई भी सीधा हो जाएगा। तो ये अब जैसे इसमें क्या है कि जैसे ये वाला सवाल है, सपोज इस वाले सवाल में मान लो ऐसे बोला जाए कि ऐसे बैटरी लगा दी हुई, अब थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाते हैं इसको, बोला जाए कि बताओ इसके हर एक तरफ क्या क्या चार्जेस हैं, जैसे यहां पे क्या चार्ज है, 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 एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितने वेरिएबल, कितने वेरिएबल। अब उसमें कुछ लॉजिकली बात करते हैं। ये सब चालू करने से पहले एक बात अपन अच्छे से समझे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू बराबर सी वी, क्या पढ़ा है क्यू बराबर सी वी, उसमें क्यू जो होता है वो कौन सी प्लेट का चार्ज होता है, कौन सी प्लेट का, है ना। थोड़ा और चेंज करता हूं मैं उसको, सुनना अच्छे से। असलियत में जैसे मान लो कि ये ऐसे कैपेसिटर है, ठीक, अगर ऐसे कैपेसिटर है समझो अच्छे से, और इस प्लेट पर चार्ज और इस प्लेट पर चार्ज अलग अलग है, जैसे मान लो इसको चार्ज दे दिया 3q और इसको दे दिया q। अब पुराना कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद कर, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, टोटल का आधा, टोटल का यहाँ कितना 2q, तो यहाँ कितना, टोटल का आधा, तो यहाँ कितना, तो यहाँ कितना, तो यहाँ कितना, अरे भाई हाँ ना तो बोल, ये हुआ करता था। अब खास बात क्या, आप ध्यान से देखो तो जो आप फॉर्मूला लिखते हो ऐसे, इसके अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये यहां से लेकर यहां तक होता है E into D, क्या होता है E into D, क्या होता है E into D, तो V को सो लिखते हैं E into D। अब E जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन इस 2q इस 2q के से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस 2 और 2q से आएगी, नहीं आया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे बहुत सोच के बोलो तो वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी बेसिकली इस क्यू की वजह से, यानी कि क्यू बाई ए टू एफ स्लॉट, फिर क्यू बाई ए टू एफ स्लॉट, मतलब क्यू बाई ए एफ स्लॉट, क्यू बाई ए एफ स्लॉट, तो लिखाई लिखी गई क्यू बाई ए एफ स्लॉट इंटू डी। तुम्हें मेरी बात समझ, अच्छा एफ स्लॉट ए बाई डी क्या चीज है, सी, तो देख क्यू बराबर क्या आया सी वी। अब कंफ्यूज होता है ये क्यू कौन सा है, इनर सरफेस वाला, कंफ्यूज हो गया तू, मैं तेरे को एक चीज कोई दूसरा डेटा लेता हूं, एक मिनट तेरे को कंफ्यूजन दूर हो जाए। मान ले ये लेते हैं 5q और ये लेते हैं माइनस क्यू, तो टोटल कितना होगा 4q, यहां पे आया था तो यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, कोई बुराई। अब तो जब तू यहां पे V इक्वल टू E इनटू D लिखेगा, E इनटू D, तो यहां पे Q कौन सा आएगा, इस 2Q और इस 2Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाती है, क्या जुड़ती सिर्फ इस 3Q की वजह से, तो यहां पे कौन सा Q आएगा, तो 3Q इक्वल टू CV। तो असलियत में जो Q होता है ना, जो फॉर्मूले का Q इक्वल टू CV है, वो Q क्या है, Q इज द चार्ज on the inner surface of the higher potential plate। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, थोड़ा सा रीडिफाइन कराया अपने फॉर्मूले को कि Q is the charge on the inner surface of the higher potential plate। नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। नहीं आया, आया। अभी कॉन्सेप्ट है जो अपने को पता होना, तो आप वापस ये डायग्राम बनाने से पहले इन सवालों को आप दोबारा डायग्राम बनाओगे, आप ये चीज उतारोगे, फिर तो ये बात चमकी। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आपने क्या सीखा ये वाले इलस्ट्रेशन से कि असलियत में Q बराबर CV में, Q बराबर Q इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। जो उतारो पहले, जो उतारो पहले, फिर आगे बढ़ता हूं।
अच्छे से लिख लेंगे, क्यू इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट, क्यू इज द चार्ज ऑन द हायर पोटेंशियल ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। तो क्यू बराबर सीवी के बारे में अपने थोड़ा सा और जाना। उतार लिया, उतार लिया। अब देखो, मतलब इसी में एक एग्जांपल, एक चाहे तो ओरली भी आंसर दे सकता है। एक एग्जाम में आया, उन्होंने क्या करा, बोला कैपेसिटर है सी, क्या सी सी कैपेसिटर है, बोला इस पे चार्ज था मान लीजिए 6q और यहाँ पे चार्ज है मान लो -q, तो बोला इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा। ओरली भी कर सकता है, ओरल भी कर सकता है, सब लोग बोलेंगे। क्या पोटेंशियल होता है क्यू बाई सी? पोटेंशियल क्या होता है क्यू? कौन सी प्लेट का चार्ज? हायर पोटेंशियल की इनर सरफेस, हायर पोटेंशियल की। क्या 6q और -q 5q? 5q का है, यहाँ पे कितना 2.5q, तो यहाँ कितना 3.5 q, तो क्या आंसर आया 3.5 q by c, 3.5 q by c, नहीं आया 3.5 q by c, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, पक्की बात, तो आंसर आया 3.5 q by c। ऐसे सवाल आते हैं, चाहो तो उतार लो। उसके बेसिकली उसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि q बराबर cv में q is the charge on the inner surface of the higher potential plate, on the inner surface of the higher potential plate, और देख, on the inner surface of the higher potential plate, एक मिनट, ए क्या पिक्चर क्लियर है? Yes, मुझे लगाएं तुम्हें आया? आया। अब सुन, इसको अपन यहाँ यूज में लेंगे थोड़ा बहुत, इससे इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट की। खैर, तो वापस अपने ट्रैक पे आता हूँ, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं भी आपको सिखाया, क्यू बराबर सी वी। वापस यहाँ पे आते हैं, अगर हमें बैटरी ऐसे लगा दी जाए तो हमसे पूछा जाए बताओ उसकी हर सर्विस पे चार्ज क्या होगा। हमें तो ये बात क्लियर है कि 1, 2, 3, 4 इन प्लेट पर कनेक्ट करने से पहले कितना चार्ज था, तो बाद में भी कितना होगा। हाँ, रीअरेंज हो जाएगा वो बात अलग है, पर बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज और एनर्जी, वो चार्ज कभी भी प्रोड्यूस, हाँ वो रीअरेंज कर सकती है, पर चार्ज कहीं से भी आना पॉसिबल। अगर हमारी इन चारों प्लेट पर पहले से चार्ज जीरो था तो बाद में भी कितना, टोटल तो जीरो ही रहेगा। तो जीरो का आधा, जीरो का आधा, जीरो का आधा जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने पढ़ा था कि जितने भी टोटल प्लेट पे चार्ज होता है उनका आधा कहाँ आता है, क्या वो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कंपलसरी है? तो बाहर तो क्या क्या आ गया, जीरो। चलो भाई, अब ये अगर जीरो वोल्ट है और ये वी वोल्ट है, ये जीरो और ये वी, तो एक्स निकाल सकते हो क्या? यहां से देख, इसे 2c/3 आ गया तो समझ में आ गया। अब देख, मान लीजिए कि वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे किधर वी माना है अपन ने, उल्टा बनाया सीधे बनाया, मैंने 1, 2, 3, 4 किधर लिखा था, सही बनाया क्या? पक्की बात, अब सही। तो जीरो और बी, ठीक भाई साहब, अब बहुत ध्यान दे लो, सिंपल सी बात, ये बी और ये जीरो, अब ऐसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं। याद कर अपन क्या जंक्शन में वो प्लेट के अंदर विशेष चार्ज लगा सकते हैं, लगाएं तुम्हें आया? तो देख यहाँ इसका चार्ज Q1, Q2 और Q3 जीरो होने चाहिए, मुझे लगाएं तुम्हें आया? तो Q1, Q2, Q3 जीरो होने चाहिए, तो अपने लिखा x-0 इनटू C, x-0 इनटू C प्लस x-V इनटू C प्लस x-V इनटू C इक्वल्स टू जीरो। तो C C C चला गया, 3x equals to 2v, यानी कि x equals to 2v by 3. x equals to 2v by 3. भाई जब
आपको अरेंजमेंट दिया है उससे आप सर्किट बना सकते हो, सर्किट बना सकते हो तो हर जगह का पोटेंशियल निकाल सकते हो. वंस यू विल गेट द पोटेंशियल, x बराबर 2v / 3 आ गया. अब x के लिए 2v / 3 रख दो. अब देख जैसे x के लिए 2v / 3 आई, वैसे समझो ये v और 2v / 3 में कौन है, कौन है और कितना डिफरेंस हुआ, v by 3 कितना नहीं आया. अच्छा ये v, ये 2v by 3, तो ये हायर ये लोअर, क्या फिर से v by 3. अच्छा 2v by 3 ये 0, तो ये हायर और ये लोअर, और क्या 2v by 3. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. ओहो, क्या इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस v by 3 है, कितना है, तो चार्ज q लिखा जाएगा cv, क्या लिखा जाएगा cv by 3. क्या ये q होता है इनर सरफेस ऑफ द प्लेट ऑफ हायर पोटेंशियल. क्या इस कैपेसिटर की इनर सरफेस ये है और क्या हायर पोटेंशियल भी यही है. इधर आएगा cv by 3, इधर आएगा, चलो बोलो यहां कितना है, क्या इस पर भी डिफरेंस v by 3, तो इधर आएगा cv by 3, इधर इधर कितना, इधर तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ. अच्छी चीज है, बहुत आसान नहीं है, पर अगर सिस्टमेटिकली समझी जाए तो बहुत टफ भी नहीं है. जनरली बच्चों को बहुत टफ लगती है, किताब बहुत टफ दी होती है, ये सब कॉम्बिनेशन वगैरह ऐसे बहुत टफ कहलाते हैं. सिस्टमेटिक करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कोई टफ चीज है. पर अगर तुम्हें मैंने जो बोला चमका, अच्छा देखो समझ आया तो पूछ, और अगर समझ आ गया तो यही काम तो इसमें रिपीट करेगा. अगर समझ आ गया तो यही काम इसमें रिपीट करेगा. बैटरी लगा दो. अच्छा हायर लोअर लगा देता हूँ, ए और बी के बीच में बैटरी लगा देता हूँ. ये लो, इधर सुन, अगर ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले स्टेप होनी चाहिए हमारा ये सर्किट बनाना. क्या हम बना सकते हैं, एक मिनट निकालना भी कोई खास बात, 3c/2. चलो भाई बहुत बढ़िया. अब हमने ध्यान देगा ये जीरो ये भी, इसमें तो आसान है क्या, डायरेक्ट बी बाई टू. अरे ये जीरो ये भी, तो ये कितना हुआ, पर तुम्हें नहीं आया, भाई बिल्कुल बराबर है ना सी और सी, तो बीच में क्या आएगा v by 2, तो x की वैल्यू हो गई v by 2, x की वैल्यू क्या हो गई v by 2, ये v by 2, ये भी v by 2, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, ये भी ये v by 2, ये डिफरेंस प्लस माइनस v by 2, ये डिफरेंस प्लस माइनस v, ये डिफरेंस प्लस माइनस v by 2, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया. अगर इसका कैपेसिटेंस का जो डिफरेंस है वो v by 2 है, तो यहाँ पे चार्ज आया cv by 2, यहाँ आया माइनस cv by 2, यहाँ पे cv, यहाँ पे माइनस cv, यहाँ पे माइनस cv by 2, यहाँ पे प्लस cv by 2. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ देख, ध्यान से देखो, ध्यान से देख, सब कुछ सेटिस्फाई भी हो रहा है. इस प्लेट पे कितना, इधर इधर कितना, माइनस सीवी और माइनस सीवी बाई टू इज माइनस थ्री सीवी बाई टू, मतलब यहां से थ्री सीवी बाई टू निकला, कितना निकला, और यहां इस प्लेट पे कितना पहुंचा. और देख कैलकुलेशन के हिसाब से भी कितना ही होना चाहिए था, जब अगर चार्ज थ्री सी बाई टू है तो क्या फ्लो करेगा, थ्री सीवी बाई टू बैटरी से. जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल, तुम्हारे प्राण प्रखेरू. अभी आसान वाला कराऊंगी डायरेक्ट वाला, ये तो बहुत आसान है. चेक क्यों बहुत आसान है बोल, क्या तीनों कर रहा है, तो cv माइनस cv, cv माइनस cv, c, तुम्हें दूर दूर तक समझ वाला कर, वाला कर बैटरी ऐसे जोड़ दी. इक्विवेलेंट तो 5c by 3 था, ठीक है, ये अपनी बैटरी लगी v की. अगर ध्यान देंगे तो इन तीनों में क्या फिर से जंक्शन वाला लगाया जा सकता है, ये था 0 ये था v, इधर लिखा जाएगा x minus v into c plus x minus 0 into c into 2 equals to 0, सॉल्व करो x की वैल्यू आई v by 3, तुम्हें दूर दूर तक समझ आया, x की वैल्यू क्या आई v by 3.
x के लिए आगे v by 3 much you will get this is v by 3 this is v by 3 ध्यान से देख यहाँ total 0 0 इसमें difference plus minus sorry plus minus 2v by 3 यहाँ पे plus minus v मैं सही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे minus plus v by 3 यहाँ पे plus minus v by 3 तुम्हें नहीं आया चार्ज डिवीजन cv से लिखना चालू करें तो यहाँ आएगा 2cv by 3 minus 2cv by 3 यहाँ पे cv minus cv by 3 plus cv by 3 plus cv by 3 minus cv by 3 तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ अरे आया कि नहीं आया तुम्हारे प्राण प्रखेरु तो मैंने आपको इक्विवेलेंट निकालना भी सिखाया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाया बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो भी सिखाया कोई अब इसमें खास बात नहीं है पूरे चार स्टेशन एक साथ हैं और चारों अच्छे हैं चारों अच्छे हैं मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही अच्छा है और डिफरेंट है मतलब आपको बहुत ज्यादा आपको ऐसे किताबों में मिलेगा नहीं पर ये सब पूछी जा सकती जो चीजें आपसे बोला जा रहा है प्रदर्श जो मैं बोला क्या चमका और लोग की पेट भर गया है ये तुम लोग नहीं कर पाए ना ये ज्यादा बोल रहे हो काट लिया क्या तुम लोगों ने कोई इब्राहिम पक्की बात इसमें और एक अच्छी वैरायटी करते हैं बोलते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स कैसी प्रॉब्लम स्विचिंग प्रॉब्लम्स बात नहीं बिल्कुल स्विचिंग प्रॉब्लम्स आइए स्विचिंग प्रॉब्लम कैसे मैं आपको समझाता हूं ध्यान देखिए यार कि मान लो जेई में आया हुआ इस तरीके का सवाल एग्जैक्टली ऐसा सिर्फ डेटा थोड़ा अलग था मान लो ऐसे दो कैपेसिटर है और ऐसे दो बैटरी है मान लो एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और एक बैटरी लग रही है 8 वोल्ट 4 वोल्ट बोलो क्लियर इनके बीच में ऐसे एक वायर है और ये स्विच है पहले स्विच ओपन है तो क्या है 6 और 3 माइक्रो फैरेड वाले कैपेसिटर चार्ज है अरे है कि नहीं है जो बैटरी लगी हुई है कैपेसिटर तो चार्ज तो उसमें कोई शक वाली बात अब हमने क्या करा कि इसको क्लोज कर दिया क्या कर दिया तो बोला कि ये 1 2 और 3 पाथ से कितना चार्ज फ्लो करा ये सवाल था पहले ये वाला सेक्शन खुला हुआ था तो यहां कुछ चार्जेस थे अब हमने इस सेक्शन को तो क्या कुछ रीअरेंजमेंट हुआ होगा जब वो रीअरेंजमेंट हुआ तो बताओ इन 1 2 3 से कितना चार्ज फ्लो करा ये सवाल है मैं बताऊंगा ट्राई करोगे चलो कोशिश करो सवाल ये फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन थ्रू 1 2 3 फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन थ्रू 1 2 3 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन थ्रू 1 2 3 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अरे सुनो से इन सवालों करते कैसे सुने एक इनिशियल स्टेज है और एक उसके कंपैरिजन से आंसर आता है जब ये स्विच ओपन है तो इसके होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है तब सर्किट ऐसा है हमेशा दो सर्किट बनाऊंगा एक स्विच ओपन में और एक स्विच या शिफ्टिंग जो भी करेंगे अब 6 और 3 सीरीज है तो 6 और 3 2 8 और 4 तो क्या 12 वोल्ट की बैटरी 2 माइक्रोफैरेड चार्ज आया 24 चार्ज आया तो इसका मतलब यहां से 24 ऐसे आके ये 24 था और ये -24 और ये भी
24 और ये भी, क्या ये इनिशियल सिचुएशन थी? बेकार रेस्पॉन्स। अच्छा, अब जो नया सर्किट हो गया स्विच क्लोज करने के बाद, ऐसा समझो आप, तो कि देखो स्विच ओपन रखने से पहले एक अलग सर्किट था और स्विच क्लोज करने के बाद एक, तो दोनों को अलग अलग सवालों की तरह सॉल्व कर लो, उनको अलग अलग सवालों की तरह फिर उनमें एनालिसिस करेंगे। तो ये ऐसे 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 पर ऐसे भी। अब देखते हैं ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 8 वोल्ट और ये 4, क्या सीरीज है? अब ये सीरीज पर मैं चार्ज वायर निकाल सकता हूं, उसमें कोई खास बात सोच। ये कितना? 0, तो ये कितना? 0, ये कितना? 4, तो ये भी कितना? 4, तो ये कितना? 12, तो ये कितना? 12, कैसे क्रॉस आया? 8 वोल्ट। अरे कितना आया? 8 वोल्ट। कितने माइक्रोफेरेड? 6। कितना? 8 6 48, 8 6 48, तो क्या इस पे चार्ज आया? 48। और इस पे आया? इसमें 48 और -48। कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। नीचे ले देख कितना, कितना? 12। यहाँ 12 और यहाँ भाई, ये अलग सर्किट था, अलग सर्किट था, अलग अलग सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनालिसिस करो, अब क्या करो? इस पीरियड पे पहले कितना था, अब कितना है? 48। तो आया कितना? यहीं से तो आया होगा, तो यहां से निकला भी कितना होगा? 24। इस पीरियड पे पहले कितना था, अब कितना? तो गया कि आया? कितना? 12। तो घुसा भी कितना? 12। तो क्या इधर से 12 आया होगा? 12 आया, 12 निकला, इधर से 24 आया, इधर से तो इधर गया कितना? 36। तो 24 36 12 24 36 थंब रूल फॉर स्विचिंग प्रॉब्लम्स, इधर देखो स्विचिंग और शिफ्टिंग प्रॉब्लम्स, स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद, क्या है दो अलग सर्किट है? सॉल्व देम सेपरेटली, सॉल्व देम सेपरेटली, आफ्टर दैट एनालाइज, आफ्टर दैट एनालाइज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आफ्टर दैट एनालाइज, उसके बाद एनालाइज करो, उसके देखो देखो फिर क्या हो रहा है, पहले जो बोला चमका। चलिए बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल, डेटा अलग। देखिए स्विच वही 1 2 3 कैपेसिटर ले लेते हैं आप, कितने कितने लोग हैं? चार माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड आउट द चार्ज फ्लो थ्रू 1 2 3। आओ इधर देख, पहले बिना स्विच के सवाल सॉल्व करो। 4 और 4 8, 4 और 4 10 और 2 यह 8 ही, 8 और 2 2, क्या यहाँ 16, यहाँ -16, यहाँ 16, यहाँ -16, ये इनिशियल सिचुएशन। बाद वाली सिचुएशन देखें, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, अगर ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया तो देखो ये 4 ये 4 ये 10 ये 2, तो ये 0 तो ये 2, ये 0 तो ये 10, ये 0 तो ये 0, तो ये 10, तो ये 40, ये -40, ये 0 तो ये 2, तो ये 8, ये -8। तुम्हें दूर दूर तक समय, इस प्लेट में पहले कितना चार्ज था? 16, अब कितना? 40। आया कितना? 24। 24 आया तो 24 निकला, इस प्लेट में पहले कितना चार्ज था? 16, अब कितना है? -8, तो निकला कितना? 24।
24 इधर से घुसा तो 24 या 48, मेरा तो 24 48 24 आया है। कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने सब सही तो है, सही है भाई साहब। अरे इनिशियल स्टेज में तो 8 वोल्ट ही डोमिनेट करेगा। अरे भैया प्राण प्रकेरू प्राण प्रकेरू, उड़ गया बचे गया बिल्कुल ऐसा कैसा। एक और देखो जा, एक अच्छी अरमा भी देना मेरे को, काम भी दे दूंगा लगी ना अच्छी बढ़िया। हाँ एक मिनट एक और करा दूं तुम्हें, डर लग रहा इसी तरह की या थोड़ा सा डिफरेंट। देखो हाँ एक कैपेसिटर है ऐसे, सर्किट को समझो, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैरड का है, ये स्विच की 1 पोजीशन है, स्विच की पहले सर्किट 1 पोजीशन पर था, कहां पर था? तो चार्ज था कैपेसिटर, फिर 2 पे कर दिया, बोलो क्लियर है? तो सवाल पूछा गया हीट जनरेटेड इन द सर्किट, सवाल पूछा गया हीट जनरेटेड इन द सर्किट। सर ऐसी और लेना, उड़ गए तोते पता ही है। एक मिनट मैं बताता हूँ सवाल कौन सा है, याद कर मैंने तेरे को बताया था कि एक कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज है, मान लो वी वोल्ट से, फिर उसको बैटरी लगा दो एक 2 वी वोल्ट की, तो बताओ क्या हीट जनरेट होगी? तो फॉर्मूला पड़ा था वर्नन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस, ये वही सवाल है। तुम बस बेवकूफ बने कैसे समझना स्विच लगा के, ये सवाल वही है। ध्यान सुन पहले सब लोग, मुझे बताओ पहले कैपेसिटर कितने बैटरी से, जब ये 1 पर था तो इसका कोई मतलब नहीं, तो ये कितनी बैटरी से चार्ज था? 10 वोल्ट की बैटरी से। अब जब आप इसको ऐसे 2 पे कनेक्ट कर दोगे तो एक बैटरी 10 की हो जाएगी और एक 2 की, तो इफेक्टिव कितनी हुई? 8 ही बनाओ ना। अब कितने से जोड़ दिया? तो देखो ये सवाल नहीं आता, 10 वोल्ट से पहले से चार्ज कर रखा है, ये तो मैं पहले ही कर चुके हैं। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ, क्या मैंने पहले भी ऐसे सवाल कराया जिसमें पहले बोलूं कि बैटरी को 10 कैपेसिटर को 10 वोल्ट से चार्ज कर रखा है? अरे भाई हाँ ना बोल, कितने चार्ज कर रखा है? 10 वोल्ट से। वही तो सवाल हुआ है, सिर्फ स्विच लगा दिया जिससे आप जिसको देख के आप डर गए, सवाल वही है। अरे भाई पहले ऐसे 10 वोल्ट से था, अब कितने से? 8 से। तो पहले 10 से चार्ज है तो इसमें चार्ज कितना था? 20। कितना था यहाँ? कितना? 20। फाइनली कितना चाहती है? 16। यहाँ कितना? -16। फ्लो कितना करा? 4। तो वर्डन में बैटरी नेगेटिव हुआ, वर्डन में बैटरी 4 × 8 4 × 8 तो वर्डन में बैटरी -32 माइनस ई फाइनल माइनस, तुम्हें दूर दूर तक समझ ई इनिशियल एनर्जी कितनी है? ई इनिशियल एनर्जी 1/2 × 10² और ई फाइनल है 1/2 × 8² तुम्हें दूर दूर तक समझ, ये है 100 ये है 64 तो लिखा गया ई फाइनल यानी कि 64 - 100 तुम्हें दूर दूर तक समझ। ध्यान देखो आंसर आया +4 कितना आया? तो ध्यान से देख, तो ये पुराना वाला सवाल है, सिर्फ आपको स्विचिंग के नाम पे दे दिया है। किसके नाम पे दे दिया है? स्विचिंग के नाम पे दे दिया है। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, एक और प्राण निकालता हूं, बढ़िया सवाल क्लासिक आओ इधर देख, हम्म
ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, एक बैटरी से जोड़ा 10 वोल्ट, हाँ भाई 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट। पहले स्विच कहां पर है? बाद में कहां ले जाएंगे? तो बर्न बाय द बैटरी या हीट जनरेटेड इन द सर्किट। ध्यान सुनना, बढ़िया सवाल है। जब इनिशियली ये सर्किट था तो 3 और 3 6 3 1 2 बैटरी, चार्ज कितना है? क्या यहाँ 20 आया होगा? इस 20 में से यहाँ कितना गया? 10। यहाँ कितना? -10। यहाँ कितना? 10 -10। 10 यहाँ से निकला, 10 यहाँ से निकला, यहाँ 20, यहाँ क्या? दिस इज द सिचुएशन ऑफ द सर्किट। बेकार रेस्पॉन्स, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। जब आपने सर्किट को चेंज कर दिया, बाद में सर्किट ऐसा हो गया, देखना। खुपाच, ये अब 3 और 3 नहीं यार, 6 और 3 अभी भी 2। चार्ज कितना आया? 20। अब यहां से 20 आया तो यहां कितना पहुंचा? 20। कितना? 20। तो यहां कितना? पक्की बात? यहां से 20 निकला तो यहां कितना पहुंचा? 10। यहां 10। यहां मैं मान रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही है, पर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे चेंज हो गया है। इस प्लेट पे पहले कितना था? अब कितना है? तो कितना आया होगा? 10। देख डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, ये 10 आया, ध्यान सुन। इस प्लेट में पहले कितना था? -10। इस प्लेट में पहले कितना था? कितना था? -10। तो यहां कितना था? अब कितना है? 10। तो आया कितना? 20। सो यहां से 10 आया तो क्या 10 यहां से निकला? इस 10 में से 20 में चला गया। इस प्लेट में पहले कितना था? 20। अभी कितना है? 10। तो निकला कितना? 10। 10 इधर से है, 10 इधर से है, 20 इधर से निकला, 20 यहां पहुंचा, उसमें से 10 यहां चला गया, 10 यहां आ गया। तुम्हें दूर दूर तक समझ? और ध्यान से देखो तो इनिशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में थी वो ही अभी भी है। जो इसमें थी वो अब इसमें आ गई, जो इसमें थी वो इसमें ही रही, जो उसमें थी वो इसमें आ गई। एनर्जी इन द कैपेसिटर में कोई चेंज? क्या ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज जीरो? बट बर्डन बाय बैटरी में क्या 10 माइक्रो कूलम चला है? बैटरी से कितना चार्ज पास करा? 10। बैटरी कितने की? 10। तो बर्डन आया 100 माइक्रो जूल। कितना आया? और जो 100 माइक्रो जूल बर्डन में बैटरी आया, क्या वो ही मेरा हीट जनरेटेड है? मतलब तो क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ कैपेसिटर, बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखो इसको। और तुम्हारे प्राण निकल गए भाई साहब। अरे तो हाँ तो बोलो, नहीं आया? आज का लेक्चर अच्छे स्तर का था, आज का लेक्चर हल्के स्तर का नहीं था, और पूरा नया था तुम्हारे लिए। पीछे से कोई लिंकेज पूरा नया था, इसलिए घर जाके ढंग से पढ़ना, फिर समझना, फिर पास वाले से पूछना, नहीं आए तो मुझसे अपनी क्लास में दोबारा। पर ये अच्छा से अच्छा लेक्चर था आज का, बहुत स्विचिंग प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, Q बराबर C में Q is the charge on the inner surface of the higher potential plate. अब होमवर्क लिख लो, टेस्ट क्या कल? टेस्ट थोड़ी तुम्हारा 13 का है क्या?
है 46 तक एच सी वर्मा और एच सी वर्मा 46 तक कर लो। और इसमें कोई दिया था क्या अभी एक्साइज वन दी थी शायद 20 एक्सरसाइज टू करो ट्वेंटी वन तक